रहीम अस्सलाम वालेकुम। मरियम नूर किचन में खुश आमदीद। आज बनाना सिखा रही हूँ आपको मज़ेदार चनों का सालन। मैंने पहले से ही चने उबाल लिए और इसमें मैंने थोड़ी सी मसूर की दाल बॉयल करके रख ली है। तकरीबन आधी प्याली मुझे दही चाहिए और एक छोटी सी प्याज चाहिए। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता दूँ, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, कलौंजी, अजवाइन, पिसा हुआ धनिया, नमक और इसमें जायफल, जावित्री का पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्ची, ठीक है। और अगर आपके पास चाइनीज़ नमक या चिकन पाउडर हो तो वो ज़रूर ले लीजिएगा। मैंने एक डेगची में तेल गरम कर लिया, उसमें प्याज डाल दिए और इसको हल्का सा बस फ्राई करना है। उसके बाद इसमें ये मसाले ऐड करने हैं। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड इसलिए कर दें ताकि मसाला ना लगे, और इसमें दही डाल दें और सिर्फ इसको भूनना है हमने। इसके अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें, इसकी भुनाई करें। ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी सालन बनता है। आप सबको पता है चने कैसे बॉईल करते हैं। रात को भिगो के रख दिया था सोडा डाल के, उसके बाद मैंने इसको बगैर नमक डाले उबाल लिया था। और इसमें मेरे पास एक दो बूटियाँ चिकन की रखी थी, मैंने डाल दिया। आपके पास बॉयल अंडे हो तो आप अंडे ज़रूर डाल दें, चिकन हो तो आप इसमें चिकन डाल दें। ये मैंने ऑयल मसाला भून के निकाल लिया है। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का सालन बनता है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप चपाती से खाएं, नान से खाएं, पराठों के साथ खाएं। ये देखिए बॉयल चने मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें ये मसूर की दाल ऐड कर दूँगी, ये भी बॉयल है। इससे सालन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बनता है। लोग ग्रेवी मांगते हैं तो आप इससे ग्रेवी बनाइएगा, प्याज और पिसे हुए धनिए से नहीं बनाइएगा। इससे बहुत मज़े का सालन बनता है। इसके अच्छे से मिक्सिंग करें। अगर आपके पास बॉयल अंडे हैं तो आप बॉयल अंडे डाल के सर्व करें, चिकन है तो चिकन डाल के सर्व करें। बहुत मज़े का सालन बनता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद आप इसको एक अच्छे से बाउल में निकालें। और इसके बाद मैंने आपने देखा था रोगन निकाल लिया था, इसे आप सारा सालन इसको देगची में एक बाउल में डालें। उसके बाद आप इससे ऑयल से गार्निश कर दें। और इसमें जो मैंने चिकन का रेशा करके रख लिया था थोड़ा सा चिकन डाल दें। और आपके पास बॉयल अंडे डालना चाहे तो आप बॉयल अंडे स्लाइस करके डाल दें, चाहे तो पूरे डाल दें। ये देखिए मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। अब इसमें जो हमने ऑयल रखा था, अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। उसके बाद आप इसमें काले मिर्च और या ज़ीरा इस ऊपर से डाल दें, हरा धनिया, हरी मिर्चें जो भी आपके पास है इसको गार्निश कर दें। मेरे पास हरी मिर्चें हैं तो मैं इसमें सिर्फ हरी मिर्च ऐड करूंगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी मज़ेदार ये छोलों की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।